बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों ये बिजनेस आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला और ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि दोस्तों प्याज का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है। क्योंकि दोस्तों कोई भी सब्जी बिना प्याज के नहीं बनती, वो प्याज डालने के बाद ही उसका जो स्वाद होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों हर सब्जी में प्याज का उपयोग भरपूर होता है। इसके अलावा दोस्तों प्याज का उपयोग ना सिर्फ घरों में बल्कि दोस्तों बड़े लेवल पर भी होता है, क्योंकि प्याज का उपयोग हर छोटे बड़े सभी और ढाबों में दोस्तों किया जाता है। दोस्तों प्याज का जो बिजनेस है वो शुरू करने के लिए शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आपका बिजनेस सही तरीके से चलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद बिजनेस से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। प्याज की मांग मौसम के आधार पर बढ़ती रहती है। अलग अलग मौसम में प्याज के भाव अलग अलग होते हैं। कई बार तो हम सबके प्याज के भाव 100 किलो भी आपने देखे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो प्याज की कितनी डिमांड है और ये बिजनेस कितने बड़े लेवल पर चल रहा है। प्याज का बिजनेस दोस्तों अलग अलग तरीके से होता है। पहला, अगर आप खेती करके प्याज का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर जरूरत पड़ती है, लेकिन आप अगर होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा आपका नहीं होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप कभी इसको स्टार्ट करते हो तो इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कैसे आप जाए प्याज का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कितनी आप इससे अर्निंग कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की इसमें जरूरत होगी, कितनी मैन पावर चाहिए होगी, कहाँ से माल खरीदोगे और कहाँ पर इस माल को बेचोगे, ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में दोस्तों मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक दोस्तों जरूर देखें, क्योंकि वीडियो टोटल 6 पॉइंटों पर डिवाइड है, जिसे समझकर आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, प्याज का बिजनेस शुरू करने के लिए सही जगह की रिसर्च करना और दोस्तों उसको चुनना और यहाँ पर मार्केट से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे खेती करके प्याज का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको मार्केट रिसर्च की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहीं आप होलसेल प्याज का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसे करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च की मुख्य रूप से जरूरत पड़ती है। होलसेल प्याज का बिजनेस दोस्तों शुरू करने से पहले जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं तब आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि दोस्तों वहां कितनी दुकान प्याज की है, कितनी डिमांड है, क्या रेट है, क्या उससे कम रेट में आप यहाँ पे प्याज बेच सकते हो, क्या वहां पर लोगों की डिमांड पूरी हो पा रही है या वहां जरूरत है किसी और प्याज की शॉप, ऐसी कई सारी चीजों का आपको ध्यान देना होगा और पता करना होगा दोस्तों। इसके बाद प्याज का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको सही जगह का चयन करना होगा, मतलब कि आपको दोस्तों सब्जी मंडी के नजदीक या सब्जी मंडी में दुकान या गोडाउन मिलता है तो आपको वहां इस बिजनेस को शुरू करना है। अगर हमको दोस्तों सब्जी मंडी के नजदीक कोई जगह नहीं मिल रही है तो ऐसे में आपको शहरी इलाके के नजदीक या फिर शहर में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जहां पर ज्यादा लोग हो, मार्केट हो, जहां रोज सुबह शाम लोगों का आना जाना हो, वहां पर आप शॉप ले सकते हैं रेंट पर अगर अपनी नहीं है तो। इसके अलावा दोस्तों साथ में आप गोदाम मिल जाता है तो अच्छा है, वरना आप गोदाम आसपास के एरिया में रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रहे गोदाम ऐसी जगह होना चाहिए जहां छोटी बड़ी गाड़ी आराम से आ जा सके, क्योंकि उसमें आप प्याज स्टोर करके भी रखोगे, जिसमें दोस्तों दुकान का स्पेस की अगर हम बात करें तो 50 स्क्वायर फीट से लेकर 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए, जिसमें आप सैंपल के तौर पर प्याज भर के रखोगे। वही गोदाम का दोस्तों 1500 से 2000 स्क्वायर फीट इसके अंदर स्पेस होना चाहिए जहां आप प्याज लाकर स्टोर करोगे। नंबर 2, प्याज का होलसेल बिजनेस शुरू करने के लिए आप प्याज आपको मिलेगी कहां से। तो दोस्तों जब आप यहां पे होलसेल प्याज का बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम यहां पे होलसेल का बिजनेस तो शुरू कर देंगे, लेकिन हमको यहां पे प्याज मिलेगी कहां से हम माल खरीदेंगे। तो दोस्तों इसका जवाब हम आपको देते हैं। प्याज का बिजनेस दोस्तों अगर आप होलसेल शुरू करना चाहते हैं तो आपको प्याज खरीदने के लिए किसानों के पास यानी कि MP, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान, जहां सबसे ज्यादा दोस्तों प्याज की खेती की जाती है, वहां आपको जाना होगा और वहां से दोस्तों उनके साथ डील करके रेट वगैरह करके प्याज को खरीद लेना है, जहां से आपको दोस्तों बहुत ही कम रेट में अच्छी क्वालिटी के प्याज आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, इस बिजनेस को दोस्तों शुरू करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं और कौन कौन से आपको रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको यहाँ पे विशेषकर कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर दोस्तों आपके इस बिजनेस का जो टर्नओवर 25 लाख रुपए सालाना से अधिक हो जाता है तो आपको यहाँ पे GST नंबर अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी के साथ आपको गुमास्ता लाइसेंस भी लेना होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इस बिजनेस के लिए कोई और यहाँ पे खास रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो दोस्तों आपके पास में ये रजिस्ट्रेशन आपके पास में होने चाहिए और इसमें का आपको लाइसेंस लेना होगा। पॉइंट नंबर 4, प्याज के बिजनेस को दोस्तों शुरू करने के लिए मैन पावर की कितनी जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है इसको आप अकेले स्टार्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों प्याज का होलसेल बिजनेस के लिए आपको मुख्य रूप से स्टाफ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्याज का होलसेल बिजनेस एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों हेल्पर की आपको जरूरत पड़ेगी, प्याज को साफ करने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइवर जिनसे आपको दोस्तों कॉन्टेक्ट करके रखना होगा, और माल भरने और उतारने के लिए भी आपको यहाँ पे हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, जिनके माध्यम से दोस्तों आप प्याज के बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको प्याज तोलने के इलेक्ट्रिकल कांटे की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कस्टमर हमारी दुकान पे डायरेक्ट आता है और वो बोलता है हमको इतने किलो की प्याज चाहिए, इतने किलो ये चाहिए, तो आपको दोस्तों वो सामान उठा के उस हेल्पर के द्वारा उसको कस्टमर को दे देना है। तो दोस्तों आपको इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कांटे की भी जरूरत होगी ताकि आप प्याज को तोल सको। पॉइंट नंबर 5, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अब इसमें दोस्तों बात आती है प्याज कब और किसे बेचे। तो दोस्तों किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट को सही टाइम और सही भाव पर बेचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों यहाँ हम प्याज स्टोरेज की बात करें तो देखिए दोस्तों जुलाई और अगस्त को शुरू होते होते प्याज के जो भाव है बढ़ने लगते हैं, क्योंकि प्याज का आना मंडी में कम हो जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों आपने अगर 15 केजी के भाव से प्याज खरीदा हुआ है और जुलाई अगस्त में प्याज का भाव 50 से 60 किलो के भाव पर पहुंच गया है, तो आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से दोस्तों आधा स्टॉक निकाल सकते हैं, मतलब कि 40 से 50 केजी उसमें से आप माल बेच सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ पैसे भी दोस्तों आपके हाथ में आ जाएंगे जिससे आप दूसरे काम में लगा सकते हैं। और दोस्तों जब तक बारिश का मौसम भी शुरू हो चुका होता है, जिससे दोस्तों प्याज के खराब होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप अपना आधा स्टॉक पहले ही बेच चुके होते हैं तो यहाँ आपका जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। वहीं और कहाँ कहाँ बेच सकती, तो देखिए दोस्तों अगर आप इसे मंडी में बेचने जाते तो वहाँ भाव रिटेलर मार्केट के हिसाब से थोड़ा कम मिलता है, जिसमें आपके आने जाने का खर्च और ट्रांसपोर्टेटर का खर्च भी होता है। तो आपको अपने आसपास इस खरीदारों को दोस्तों ढूंढना होगा जिन्हें प्याज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, डिमांड रहती है, जिन्हें प्याज बेचकर आप इस खर्च से बच सकते हैं। तो इसके लिए आप दोस्तों आप बड़े बड़े होटलों, मैरिज हॉल और रिटेलर शॉप कीपर से बात कर सकते हो, जिन्हें दोस्तों प्याज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिनके पास में डिमांड रहती है, जिन्हें आप कुछ डिस्काउंट और ऑफर करके उनसे डील कर सकते हो, जहां आपको मंडी से ज्यादा भाव भी मिल जाएगा और आपका खर्च भी बच जाएगा। बाकी आप दोस्तों थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहे छोटे छोटे रिटेलर और कस्टमर के द्वारा। पॉइंट नंबर 6, इसमें दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला और कितने हम इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों प्याज का होलसेल बिजनेस अगर आप शुरू करते तो इसमें आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो जरूर करना पड़ेगा, जिसमें कि दोस्तों अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाहन मतलब कि दोस्तों गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो आपको ज्यादा ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, वरना आप दोस्तों 1.5 लाख से 3 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वहीं इसमें अर्निंग की बात करें तो प्याज के होलसेल बिजनेस को शुरू करने से पहले ही आपको कितना मुनाफा इसमें कमा सकते हैं, ये बात आपके दिमाग में प्याज का बिजनेस शुरू करने से पहले ही आ गई होगी। और प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो दोस्तों हर व्यक्ति अक्सर बिजनेस को शुरू करता है। तो दोस्तों आप प्याज का होलसेल बिजनेस शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, हालांकि शुरुआत में आपको दोस्तों थोड़ी मेहनत जरूर करनी होगी। जब आपका बिजनेस अच्छे से चलना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों उसके बाद आपको बेहतर पैसा इस बिजनेस से प्रॉफिट के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। आप इस बिजनेस को दोस्तों शुरू करके शुरुआत में ही 50,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपकी आमदनी भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो कैसे आप यहाँ पे प्याज का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा, जय हिंद।